आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग देखने को जो देख रहे हैं ये बहुत ही जरूरी वीडियो है, खास तौर पे इंडियंस के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो कि हैं प्रॉब्लम में, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम होती है और शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, गठियाबाद और कैंसर जैसी बीमारियां अपने यहाँ इंडिया में चल रही हैं और इंडिया के लोग बहुत ही जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज्यादा आ रही है कि यंग उम्र में 28 साल 30 साल की उम्र में कितनी सारी इंडिया प्रॉब्लम देख रहा है हम लोग देखते हैं। मेरी एज खुद 28 ईयर है और मैं देखता हूँ अपने उम्र के लड़कों को उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं यहाँ एक्चुअल में काठमांडू में था मैं कई दिनों से, तो मेरे फ्रेंड थे काठमांडू में जिनसे मैं मिला, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई और दिखाई, फिर मैं इसके बारे में रिसर्च किया थोड़ा, तो मुझे पता चला वर्ल्ड की बहुत ही अच्छी चीज थी और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते, लेकिन हमको पता ही नहीं थे इसके बारे में। इस कंपनी का नाम है DXN। तो मैंने इसके बारे में जब देखा तो मैंने इसके कई सारे रिसर्च पाए और ये कंपनी है वहाँ की मलेशिया की है, मलेशिया की कंपनी है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये जापान में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, नेपाल में रेड मशरूम से बने हुए प्रोडक्ट हैं जो कि कई सारी चीज़ों में काम देते हैं। मतलब कि अपन लोग ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर एक चीज़ में काम करते हैं, जैसे कि मैम है दीदी हैं ये यूज़ की हैं, तो ये कुछ आप लोगों को नेपाली में बताएंगे कि इनको कितने बेनिफिट्स हुए हैं, तो आप सुन सकते हैं, फिर अपन लोग हिंदी में भी बात करते हैं इसके बारे में। दीदी ने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे वो बताएंगी। मैं माइग्रेन थी अनि त्यसै पाछे घरको प्रब्लम छ अलिअलि, त्यसको लागि मैले आर्जिजेल र स्पाइरिना अनि त्यसपछि आएर मरिन्ज जुस युज गरेको छु, युज गरिरहेको छु अहिले पनि। अहिले मलाई मैले गरेको 2-3 महिना भइसक्यो अनि मलाई धेरै आफ्नो शरीरमा पनि धेरै चेन्जहरू आएको आइरहेछ, मलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ, अब एनर्जी नहुने, बिहान उठ्दाखेरि एकदम थकान हुने, त्यसलाई बिहान उठ्दाखेरि एनर्जी सहित उठिन्छ, थकान हुँदैन, उठ्दाखेरि एकदम फ्रेस हुन्छ। पहिले त अब पुरा थकान हुन्थ्यो भने अहिले त्यस्तो हुँदैन, बाहिर अरू औषधि पनि युज गरिरहँदा पनि यो युज गर्दा त्यसले केही इफेक्ट पनि पार्दैन। मैले माइग्रेनको सँगसँगै औषधिसँगै यो पनि युज गरिरहेको छु, यसले धेरै राम्रो प्रोडक्ट छ। मैले युज गरेँ अनुसार अहिलेसम्म धेरै अरू पनि प्रोडक्ट युज गरेँ, तर यो जतिको राम्रो मैले कुनैमा पनि भेटिन र पाइनँ। अनि अहिलेसम्म मैले खाए मध्येमा चाहिँ यी 4 प्रोडक्टहरू हुन् धेरै राम्रो छ। तर आप बताएंगे हिंदी में, आपको इसके बारे में आप लोग देख सुनिएगा और जानिएगा कि कुछ डिटेल्स में बताएंगे। और आप लोग को इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूँ कि आप लोग अगर इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तो आप लोग को एक छोटा सा अपना नाम और पता बताना पड़ेगा, जिसके जरिए आप लोगों का कंपनी ये भी जान पाएगी कि आपको इसके कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में अपन लोग और रिसर्च करके कुछ इसको और डेवलपमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, साथ ही साथ आप जाने थोड़ा सा और इसके बारे में। हाँ, ये तो गरम नर्मा का प्रोडक्ट है, ये जिसका फाउंडर डॉक्टर जिम सीओ लिंग है जो मलेशियन है, एंड इसने रेड मशरूम के बारे में प्रोडक्ट निकाले हैं जो 100% नेचुरल है और जो प्रोटेक्ट फ्रॉम इलनेस है, ये हर रोग की दवा है। ये नाम एक है लेकिन इसका काम अनेक है, जो हर रोगों के लिए खड़ी बहुत अच्छा सिद्ध साबित हुआ है। ये तो इस मोर देन 200 कंट्रीज में ये इसका प्रोडक्ट चल रहा है अभी, जो कोई भी मान लीजिए शुगर की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, गैस्ट्रिक वगैरह वगैरह, कैंसर जैसी बीमारियों के भी ये ठीक करने में बहुत अच्छा ठीक करने में साबित हुआ है। तो इसकी जितना डिफिनेशन दूँ मुझे कमी लगता है, मैं भी खुद मैं 2 दिन यूज़ किया इसे, 2 दिन ये सर ने मुझे, मैं आया जब इनका एक्चुअल में होटल है यहाँ पे काठमांडू में, बहुत ही अच्छा होटल है, अपन लोग काफ़ी फ्रेंडली हो गए जब सर को पता चला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, बहुत खुश हुए, हैप्पी हुए और इन्होंने मुझे कॉफ़ी वगैरह पिलाई, मुझे 2 दिन उन्होंने डीएक्शन की कॉफ़ी पिलाई, इसके बारे में मुझे बताया, लेकिन मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मतलब मुझे बड़ा नेचुरल एक्टिविटीज़ मेरे अंदर आई और बड़ा सुस्ती लग रही थी जब मैं इंडिया से आया था, तो मैं जब यहाँ इनके कॉफ़ी वॉफी पिया 2-3 बार इन्होंने कॉफ़ी वॉफी पिलाई, मतलब मुझे बहुत पूछे कि कोई आप दवाई वाई पिलाई, मतलब नहीं ये सब नेचुरल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉफ़ी है, ये आपको बहुत ही कमी मिलेगी पीने के लिए। फिर सर ने बताया मुझे एक प्रॉब्लम थी, इनको एक बीमारी थी, तो इन्होंने सिर्फ कॉफ़ी का सेवन कंटिन्यू रखा तो इनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। हाँ, मुझे बीपी आई थी, ब्लड प्रेशर आई था और उससे बड़ा मेरे को जो लीवर में पथरी का भी था, सिस्ट था लीवर में, वह भी मैं मरंजी जूस आरजीजीएल 4 महीने से खाया, तो वो भी सिस्ट भी घट के अभी 15 mm का था, अभी घट के 8 mm में आ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा मेरे बॉडी से। इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसे यूज़ करे घर घर में और जाके अगले फ्यूचर में वो स्वस्थ जीवन जिए।
बस इतने ही कहना चाहता हूं। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप यहां काठमांडू से हैं, नेपाल के किसी भी एरिया से हैं, या इंडिया से भी हैं, इंडिया में कहीं से भी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेपाल का एड्रेस मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया से आप कैसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं उसका नंबर और एड्रेस भी मिलेगा, जिसमें मैं खुद अपने ऑफिस का नंबर दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट। और नेपाल से हैं आप तो यहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं काठमांडू में, तो आपको इसमें ज्वाइन करने में कई सारे बेनिफिट होंगे। सिर्फ एक बेनिफिट नहीं कि आप सिर्फ किसी, अगर आप यूज़ कर, आपको अगर अच्छा लगता है आप फर्स्ट टाइम खुद यूज़ करो, आपको कोई सिर्फ प्रोडक्ट का ही चार्ज लगेगा और किसी चीज़ का चार्ज नहीं लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कीजिए और अपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को फिर सजेशन कीजिए। तो आप क्या है ना, एक तरीके से आप जब उसे सजेशन करेंगे ना, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट भी आपको मिलेगा, और आप फ्यूचर में जाके ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। तो ये अपन लोग बेनिफिट सिर्फ इसके लिए दे रहे हैं, ये हम लोग कोई पैसे कमाने या कोई अपन लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने के लिए नहीं, सिर्फ ये एक दूसरे की हेल्प के लिए कि अपनी आदमी स्वस्थ रहे, हम खुश रहें, हैप्पी रहें, अगला आदमी भी खुश रहे, सिर्फ इस वजह से। जैसे कि दीदी ने बताया कि दीदी कितनी खुश है इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, और ये बता रही मैं पहले से काफी एक्टिव हो गई, स्वस्थ भी हो गई इसको यूज करने के बाद। तो मुझे लगा कि भी अपने इंडियंस भाइयों को भी बताना चाहिए इसके प्रोडक्ट, क्योंकि अपन लोग इंडियंस थोड़ा सा हेल्थ के मामले में पीछे रह जाते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुगर की होती है, बीपी की होती है, बाल झड़ने की समस्या चल रही है, कैंसर की, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, कितनी सारी, खून गाढ़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इंडियन में, और मैं खुद एक इंडियन हूँ, हम लोग सबसे ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं पैसे कमाने पैसे कमाने, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं देते। हम लोगों को थोड़ा सा अपने को टाइम निकाल के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमारे जापानीज भाई, नेपालीज भाई लोग और चीनी भाई लोग कितने, अब देखते हैं कितने ज्यादा वो लंबी उम्र तक जीते हैं, कितने ज्यादा एक्टिव, कितने सुंदर दिखते हैं, कितने स्वस्थ रहते हैं, गोरे गोरे रहते हैं। तो उनके लोग इतनी रिसर्च करते रहते हैं अच्छी चीज़ें खाने के लिए, अच्छा यूज़ करने के लिए। तो जैसे कि अब हम लोग तो, मैं ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होती है इनकी कॉफ़ीज़, तो मैं तो इतनी एक्सपेंसिव कॉफ़ी कभी पिया नहीं था। जब सर ने बताया तो मैं इसके बेनिफिट जाना, तब फिर मुझे लगा नहीं ये एक्सपेंसिव नहीं है, इसे हमें यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद ये दीदी भी यहीं बगल में ही रहती हैं, इन्होंने भी बताया इसके बारे में कि ये भी यूज़ करिए। जैसे मैं तीन चार दिन यहाँ था, कई सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बने, दोस्ती हुई यहाँ रहा, तो मतलब सब लोगों से बातें हुई थोड़ा बहुत हिंदी में, इंग्लिश में, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग मेरे चैनल वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे हम अपन लोग इसके और वीडियोस भी बनाते रहें। और आप लोग इसके मेंबर बनने के लिए और इसको यूज़ करने के प्रोडक्ट, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, आपका बहुत, नेपाल में आप कहीं से भी हैं आपकी चीज़ अवेलेबल होगी, चाहे उसके लिए कुरियर करना पड़े, और नेपाल में है तो पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा काम ऑनलाइन ही होगा, हो जाएगा। इंडिया के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाऊंगा, और हम सब मिलके एक स्वस्थ होने की चैन बनाएंगे। पैसे कमाने की कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक हम लोगों को चैन बनानी है स्वस्थ होने की, स्वस्थ युवा और यंग युवा, और जो अपन लोग 30-35 साल में बूढ़े होने लग रहे हैं, बीमारी पकड़ रहे हैं, ज़्यादा दूर पैदल चलो तो तबीयत खराब हो जाती है, वो सारी चीज़ों को दूर करते हुए हार्ट की बीमारियां भी आजकल देखने को मिल रही हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, ये तो इंडिया में नॉर्मल हो गया, मैं तो देखता हूँ जैसे रहता ही हूँ, बाल झड़ने की समस्या कितनी आम हो गई है। तो आप लोग समझ लो कि, सोचो रेड मशरूम के बारे में आपको भी पढ़ना कि ये किसके कितने बेनिफिट होते, रेड मशरूम से बनी हुई ये कॉफ़ी है, रेड मशरूम की ब्लैक कॉफ़ी है, बिल्कुल। तो आप सोच सकते, अब इसमें सोचो ये आप इसके बारे में लिंक पे जाके भी बताइए जरा कि आप इसके बारे में बेनिफिट्स कितने होते हैं, इसे तो लोग जब स्पेस में जाते हैं तब खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दे लेना, इसमें तो WHO ने भी प्रमाणित किया है, ये बहुत सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर है, तो इसका तो क्या कहूँ, इसका तो बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल से भरपूर है। इसमें 200 से ज़्यादा विटामिन है, जो एक क्षारीय खाना है, ये क्षारीय खाना के रूप में भी इसे लिया जाता है। अगर आप खाना नहीं खाओगे और आप इसे इसकी कैप्सूल खाते रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कम, जैसे ज़्यादा उम्र में भी आप लोग जवान नजर आओगे अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो। जैसे कि रेड मशरूम की ये कैप्सूल्स हैं, रेड मशरूम, ये आप लोग ये लिंक में जाके भी देख सकते हो, लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दूंगा, आप लोग वहाँ पे भी देख लीजिएगा और पढ़िएगा, और आप लोग को एक एक चीज़ों के बारे में, जैसे इसके बहुत इसके एक इतने प्रोडक्ट्स हैं कि एक वीडियो में तो कवर कर नहीं सकते, आज आप लोग स्टार्टिंग किए हैं, आप लोगों को मैं धीरे धीरे करके इनकी सारी चीज़ें बताऊंगा। नाम क्या है? रमेश है। ये रमेश सर हैं, ये भी नेपाल से हैं, इन्होंने भी यूज़ किया था, इनको भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरा, चलिए सर नेपाली में बताएंगे, अगर आप नेपाल के हैं तो आप लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एकदम कपाल एकदम पातलो थिए, मैले यो डिएक्सन के प्रोडक्टहरु युज गरे हैन, मेरो अहिले बालहरु पलाएको छ, अहिले यो त निकै पलाएर निकै, यो मेरो यो
यसका लागि अनि मैले डिएक्सनको यो उहाँले भन्नुभयो दाइले मेरो पनि यहीँनिर पसल पर्छ उहाँ दाइले समय समयमा मलाई भन्नुहुन्थ्यो यस्तो युज गरेर यस्तो युज गरेर यो डिएक्सन युज गरेँ जुन बेला यसको पेस्टहरू लगाएर मैले मेरो बाल पनि आयो यहाँ बिचमा यस्तो बिचमा यहाँनिर गएको थिएँ यसको बाल पनि आयो अनि यसमा अरू लिएर भन्दाखेरि मेरो मुख बनाउने एकदम समस्या थियो र दाँतमा रगत आउँथ्यो त्यसका लागि अनि उहाँले यो पेस्ट गर्न भन्नुभयो अनि उहाँ भन्दाखेरि अहिले मेरो मुख गराउने समस्या पनि छैन र दाँत पनि एकदम राम्रो भएछ एकदम यसले गर्दाखेरि मेरो मुख गराउने धेरै समस्या थियो र गिजाबाट दाँत आउने गिजाबाट रगत आउने समस्या थियो बिल्कुल मेरो यो एकदम ठिक भयो मैले धेरै हस्पिटलहरू गएँ कहीँ निको पार्न सकिनँ र यो मैले डिएक्सनको यो पेस्ट युज गरेँ एकदम राम्रो भयो तो चलिए आज के लिए बस इतना ही कोशिश करते हैं अपन लोग की और रिसर्च में इसके बारे में करूंगा और आप लोगों को इसके वीडियोस भी दिखाऊंगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर भी जरूर कीजिएगा जिससे ऐसी जरूरी जरूरी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूं जैसे देश विदेश घूमता रहता हूं तो आप लोगों को कई सारी नॉलेज दे पाऊंगा कई सारी चीज़ों के बारे में बता पाऊंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय।